सिमडेगा जिला के कोलीबीरा थाना परिसर में गुरुवार रात में एक सत्यजीत कच्छप नामक पुलिस जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद रात में ही सिमडेगा एसपी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल आज रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे भी कोलीबीरा थाना परिसर पहुंचे और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, चलिए देखते हैं। 2 नवंबर की शाम की घटना है, जिसमें जो कोलीबीरा थाना में तैनात जो हवलदार है श्री सत्यजीत कच्छप, उन्होंने अपने आप को अपनी इंसास राइफल से गोली मार करके आत्महत्या की है। इसमें बेसिकली इस मामले की जांच के लिए ही यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और जो एसपी सिमडेगा है वो भी यहाँ है, उनसे भी एक मामले में रिपोर्ट ली जा रही है। वो यहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं लगभग 1 साल से और दिनांक 2 तारीख की शाम को ये घटना हुई है। उसके पहले 1 तारीख की शाम से वो अपनी बैरक से अपना हथियार लेकर के और बिना बताए चले गए थे, बेसिकली बिना अनुमति के और जो बिना रूल के अगेंस्ट में जाकर के वो चले गए थे। जाने के बाद इटकी में उनका घर है, इटकी में घर में रात में रहे हैं और रात में वहाँ से रहने के बाद में दिन में वो एक कार लेकर के अपने घर से निकले हैं और वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर कोलीबीरा थाना क्षेत्र में एक जगह पर उनका एक मोटरसाइकिल से टक्कर भी हुआ है, जहाँ पर आम जनता से झगड़े के बाद उन्होंने कुछ हवाई फायर भी किया था। ये जब शिकायत थाने में आई तो उसके बाद में उनको लाने के लिए और उनसे पूछताछ करने के लिए थाना वहाँ पर पहुँचा है। बाद में वो 2-3 घंटे के बाद में वो थाने को मिले हैं। थाना प्रभारी और उनकी टीम जब लेकर के उनको यहाँ पर आई है तो थाना कैंपस में आने के बाद अचानक से उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो इसके लिए एक डिटेल जानकारी मैंने भी ली है, थाना प्रभारी जो हैं और जो यहाँ पर अन्य पदाधिकारी हैं उनसे जानकारी ली है जो साथ में थे उस समय, और किस तरह से ये घटना हुई है और कैसे वो यहाँ से गए हैं और किस तरीके से घटना हुई है। इसमें एक डिटेल रिपोर्ट जो एसपी सिमडेगा है वो समर्पित करेंगे और इसमें जो अन्य पदाधिकारी उनको भी निर्देश दिया गया है कि जो किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता कोई ना करे, अगर कोई व्यक्ति है ड्यूटी पर हैं तो ड्यूटी पर रहें और बिना तरीके से बिना छुट्टी के अनधिकृत रूप से बाहर ना जाएं और फर्दर जो फैक्ट्स हैं वो इंक्वायरी में शुरू आएंगे। जो यहाँ से गए थे हथियार लेके, उसका रिपोर्ट क्या एसपी को किया गया थाना के द्वारा? जो वो बिना हथियार के यहाँ से जो गए हैं वो 1 तारीख की शाम को गए हैं और उसकी सूचना थाना के द्वारा 2 तारीख को जो है जो पुलिस अधीक्षक सिमडेगा को दी गई है। तो हम लोग इसी बात की इंक्वायरी कर रहे हैं कि सबसे पहले किनको पता चला जब वो चले गए, किस कारण से गए और वेपन लेकर के जाना अलाउड नहीं है। अगर आप छुट्टी में जा रहे हैं या अनधिकृत रूप से भी जा रहे हैं तो अलाउड नहीं है। तो कब सूचना मिली थाना प्रभारी को, कब उन्होंने सूचित किया, तो वो सारा इंक्वायरी का विषय है। अभी जो मृत हवलदार है उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसका पोस्टमार्टम भी हम लोग मेडिकल बोर्ड से करा रहे हैं और भी वीडियोग्राफी के साथ, जिससे कि कहीं कोई न्यू FSL की जो टीम है रांची की और जो जिले की वो टीम भी इसमें, क्योंकि सर क्षेत्र से जब क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे थे तो झंझट भी हुआ किसी से, वहाँ फायरिंग हुआ, उसके बाद पुलिस उन्हें जब पाती है तो उनका हथियार जब्त क्यों नहीं किया जाता है, उनके हाथ में हथियार क्यों छोड़ा जाता है जिससे इतनी बड़ी घटना घट गई? देखिए ये सारी वस्तुएं जो है इंक्वायरी का विषय है, उसी के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी डिटेल इंक्वायरी हम लोगों ने इसमें की है, एसपी भी इसमें एक रिपोर्ट समर्पित करेंगे और तभी हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे।